सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कैराना और सहारनपुर में चुनावी जनसभाएं की। सहारनपुर में सीएम योगी ने कहा, आज कोई माफिया जेल में है तो कोई जहन्नुम में, बाकी जो बचे हैं वो खुद राम नाम सत्य की यात्रा पर निकल गए। आप देख रहे होंगे कि सपा के लोग उनके सामने दुम दबाकर चलते थे, कांग्रेस के लोग कैसे नतमस्तक हुआ करते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे याद है कि जब सहारनपुर को मजहबी उन्माद का केंद्र बना दिया गया था, जब कांवड़ यात्रा पर बैन लगता था, तब जो जातिवादी संगठन नहीं आता था सबके मुंह सील दिए जाते थे। प्रदेश में पहले माफिया सिर ऊंचा करके घूमते थे, छोटी छोटी बातों पर दंगा होता था। अब दंगा करने वाले खुद ही कहते हैं कि दंगा नहीं करेंगे, यदि वे दंगा करते हैं तो उन्हें पकड़कर उल्टा लटकाकर मिर्ची का छौंका लगा देते हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था, उल्टा लगवा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल गए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमें अब कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है, कांवड़ यात्रा अब शांतिपूर्वक होती है, धार्मिक स्थलों पर माइक का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आप सभी जम्मू कश्मीर वासियों से अनुरोध करता हूँ कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएं। कठुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं योद्धाओं की इस भूमि को नमन करता हूं, माता त्रिपुर सुंदरी, माता सुकराला और माँ वैष्णो देवी को नमन करता हूं और नवरात्रि के शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस दिन राहुल गांधी ने वायनाड से अपना नामांकन पत्र भरा उसी दिन उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया कि वायनाड मेरा परिवार है, वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने भाषण दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया कि वायनाड से चुनाव क्यों लड़ रहे हो, तो वो बोले कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं तो फिर हम लोग क्या हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है, वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुए, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तो मत बनाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।